आकाशवाणी जम्मू ऐ संजा खबरें च तुंदा स्वागत। पहले खास खास खबरें कन्नै मैं विजय बजाज। भारत दे मुक्ख चुनां आयुक्त राजीव कुमार होरें मतदाताएं गी अपील कीती ऐ जे ओ अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी गी निभान की जे चुनां लोकें कन्नै सरबंधत न ते लोकें गी अपनी पसंद दे विकल्प चुनने लोड़चदे न। उधमपुर कठुआ संसदीय हल्के च चुनावी तैयारियां जोरें पर न। चुनावी अमले गी सरबंधत मतदान केन्द्रें पर भेजा जा करदा ऐ। उधमपुर संसदीय हल्के च 1400 शा मते मतदान केन्द्र वेबकास्टिंग दी सहूलत कन्नै लैस होंगन। इस हल्के च कल वोट पोआए जाने न। डोडा जिले दे गंडो इलाके दी डडकाई पंचायत दियां रौहने आलियां बोली ते सुनी सकने च अक्षम त्रै भैना कल होने आले मतदान गी लेइयै बड़ी मती उत्साहित न ते ओ होरनें गी भी मतदान करने लेई प्रेरित करा करदियां न। खबरें दी तफसील कन्नै श्रुति खजूरिया। कल होने आले लोकसभा चुनां दे पहले गेड़ दे चुनाएं कोला पहले भारत दे मुक्ख चुनां कमिशनर राजीव कुमार होरें मतदाताएं गी अपील कीती ऐ जो अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी गी निभान की जे चुनां लोकें कन्नै सरबंधित न ते लोकें गी अपनी पसंद दा विकल्प चुनना चाहिदा। उनें आक्खेआ जे लोकें गी अपने लेई, अपने परिवार लेई, बच्चें, ग्राएं, कस्बें ते देशें लेई मतदान करना लोड़चदा। आकाशवाणी खबरें कन्नै गल्लबात च श्री कुमार होरें आक्खेआ जे देशवासियें गी इक वोट दी कीमत गी कदें भी घट नहीं समझना चाहिदा की जे केई बारी बड़े सख्त मुकाबले च इक वोट भी बड़ा महत्वपूर्ण साबित हुंदा है। उनें आक्खेआ जे लोकें दी सक्रिय भागीदारी दी बदौलत गै देशै च व्यवस्थित ढंगे कन्नै चुनाव संपन्न होआ करदे न। मतदान केन्द्र पर बुनियादी सुविधाएं दा जिक्र करदे होई मुक्ख चुनां आयुक्त होरें आक्खेआ जे सब्बनें मतदान केन्द्रें गी हेठली मंजिल पर बनाया गेदा ऐ ते एहदे च पीने दे पानी, शौचालय, शैड, रैंप, व्हीलचेयर ते हैल्प डेस्क दे कन्नो कन्नी स्वयं सेवी भी तैनात कीते गेदे न। उनें आक्खेआ जे 85 बरे शा मती उमरी दे मतदाता ते कन्नै दिव्यांग मतदाता भी अपने घरें थमां वोट पाई सकदे न। श्री कुमार होरें लोकें गी गर्मी दे मौसम च हर चाली दी एहतियात बरतने गी आक्खेआ ते मेद जताई जे मतदाता गर्मी गी हराइयै बड़ी मती गिनतरी च मतदान करगन। डोडा जिले च कल चुनाव होना ऐ ते इत्थे आजादाना ते निरपक्ष ढंगे से चुनाव करवाने लेई इंतजाम मुकम्मल कीते गए। जिला चुनाव अफसर हरविंदर सिंह होरें दस्सेया जे सारे लोड़चदे बंदोबस्तें गी खीरी रूप दित्ता गया। उनें आक्खेया कल की डेट में सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक पोलिंग रहेगी और 7 बजे से पहले मॉक पोल का प्रोसेस शुरू करना तो तकरीबन 5:30 बजे हमारी टीम एक्टिव हो जाएंगी। अब इसलिए उनको हमने आज ही डिस्पैच कर दिया है। 30% टीम जो हमारी है तकरीबन 60-60 हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की वो निकल चुकी है अपनी गाड़ियों में, अपनी पोलिंग टीम, पुलिस टीम, सीएपीएफ टीम, माइक्रो ऑब्जर्वर्स को साथ लेके बीएलओ इनको लेके जा रहा है और आज शाम तक हमारी सारी टीम्स वहां पहुंच के अपने अपने पोलिंग स्टेशन सेट कर देंगी और सुबह के लिए तैयारी करेंगी। जम्मू पार्लिमानी हल्के जिस महीने की 26 तरीक मतदान होना है। सांबा जिले भी इससे संसदीय हल्के तहत आंदा है। सांबा के जिला चुनाव अधिकारी अभिषेक शर्मा और डीसी दफ्तर सांबा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की संबोधित किया। उन्हें आख्या जिला सांबा में कुल 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। 2,59,000 कुल मतदाता चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। कुल 365 पोलिंग स्टेशन्स स्थापित किए गए हैं। इन पोलिंग स्टेशन्स में इस बार कुछ मॉडल पोलिंग स्टेशन्स भी नियुक्त किए गए हैं जिसमें 3 पोलिंग स्टेशन्स पिंक पोलिंग स्टेशन्स बनाए गए हैं। पिंक पोलिंग स्टेशन्स का मतलब है कि वहां पे जितने भी पोलिंग पर्सनल्स हैं वो सभी महिलाएं होंगी और महिलाएं ही चुनाव प्रक्रिया को पूरा जो है करवाएंगी। सांबा दे एसएसपी विनय कुमार होरें चुनाएं गी निरपक्ष, आजादाना ते पारदर्शी ढंगे सिर करवाने लेई कीते गेदे जरूरी सुरक्षा इंतजामें बारे भी दस्सिया। उन्हें आख्या कुल मिला के 1,335 हथियार जो लाइसेंस्ड वेपन्स थे वो अभी तक डिपॉजिट हो चुके हैं। 112 लोगों के खिलाफ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं। 9 लोगों के खिलाफ हमने डोजियर्स भेजे थे पीएसएस के लिए और जिसके डिटेंशन ऑर्डर्स डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब ने हमें दे दिए हैं। उधमपुर पार्लिमानी हल्के च 5 जिले दे 18 विधानसभा हल्के आउंदे न। इत्थे कल मतदान होना ऐ। कठुआ थमां मतदान अमले गी 617 मतदान केन्द्र लेई सख्त सुरक्षा बंदोबस्तें हेठ रवाना कीता गेआ। जिला चुनां अधिकारी डॉ राकेश मिन्हास होरें आक्खेआ जे कल होने आले मतदान लेई चुनां तैयारियां जोरें शोरें कन्नै जारी न। उन्हें आक्खेआ लोगों का उत्साह तो आप देख ही रहे होंगे कि समय कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे बिल्कुल उत्साह से पोलिंग पार्टीज हमारी डिस्पैच के लिए जा रही हैं और सभी जितने भी हमारे यहाँ पे चाहे पोलिंग पार्टीज हैं, चाहे वो पुलिस कर्मी हैं, चाहे बाहर से आए हुए सेंट्रल फोर्सेज हैं, सभी का पूरा वेलफेयर का ध्यान रखते हुए आज यहाँ से डिस्पैच हम लोग सम्पन्न करें। आज के दिन में सभी पोलिंग बूथ पे जो है पार्टीज अपनी पहुंच जाएंगी और कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वहां पे चुनाव होगा।
उधमपुर पार्लिमानी हल्के च 1400 थमां मते ऐसे मतदान केन्द्र बनाए गेदे न जित्थे वेबकास्टिंग यानि कि चुनाव प्रक्रिया दी वीडियोग्राफी करने दी सुविधा भी उपलब्ध है। इत्थे कल पहले गेड़ तहत मतदान होना है। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता दी रिपोर्ट मुजब कल 2637 मतदान केन्द्र च 1472 मतदान केन्द्र पर वेबकास्टिंग दी सुविधा उपलब्ध होग। इस हल्के लिए कुल 12 मेदवार चुनाव मैदान च जिन्दे सियासी भागें दा फैसला 16,03,000 मतदाता करगन। इनें मेदवारें च केन्द्री राज्यमंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह होर भी शामिल न। पंज जिले किश्तवाड़ डोडा रामबन उधमपुर ते कठुआ ते 18 विधानसभा क्षेत्र इस पार्लिमानी हल्के तहत औंदे न। इस हल्के दी नमें सिरे हदबंदी कीती गई। 2019 दे लोकसभा चुनाएं च इस हल्के च 70.2% मतदान होआ हा। इस हल्के लेई 16,03,195 मतदाता न जिन्दे च 8,45,203 मर्द, 7,77,899 महिला ते 13 थर्ड जेंडर मतदाता न। चुनाव प्रक्रिया की रमानदारी कन्नै करवाने लेई 2637 मतदान केन्द्र बनाए गेदे न। उधमपुर जिले च मतदान सरबंधी अमले गी मतदान केन्द्रें लेई ईवीएम ते होर दुए लोट दे समेयान कन्नै भेजा जा करदा है। लोकसभा चुनाव 2024 दे पहले गेड़ तहत इत्थे कल मतदान होना है। उधमपुर कठुआ डोडा संसदीय हल्के च उधमपुर जिले दे 4 विधानसभा क्षेत्र आउंदे न जिन्दे च उधमपुर पच्छम, उधमपुर पूर्व, चनैनी ते रामनगर न। इत्थे कल यानि कि 19 अप्रैल गी पहले गेड़ तहत मतदान होना है। उधमपुर दियां डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय होरें इस बारे आखिया। हमारी टोटल 654 पार्टीज हैं, उसमें से 11 कल डिपार्ट हुई थी और बाकी आज 642 पार्टीज आज डिपार्ट हो रही हैं और हमारी सभी तैयारियां हो गई हैं और पार्टीज जो फार फ्लंग एरियाज की हैं वो ऑलरेडी डिस्पैच होना शुरू हो चुकी हैं और हमारी सिक्योरिटी की तरफ से भी सारी तैयारियां इन प्लेस है। हम आशा रखते हैं कि कल लोग अच्छा वोटर टर्नआउट रहे और लोग बारिश का मौसम का फोरकास्ट है मगर उसके बावजूद भी हम लोगों से अपील करते हैं कि वो जरूर अपना पोलिंग स्टेशन में जाके अपना वोट कास्ट करें। एक खबर तुस आकाशवाणी जम्मू पर सुनाते हो तुन बाकी दी खबरें कने विजय बजाज। डोडा जिले दे गंदोह इलाके दी डड़काई पंचायत जिसी भारत दा साइलेंट विलेज भी आखिया जांदा है दियां रौने आलियां बोली ते सुनी सकने च अक्षम त्रै पैना कल होने आले मतदान गी लेइयै बड़ियां मतियां उत्साहित न ते ओ होरने गी भी मतदान आस्ते प्रेरित करा करदियां न। 24 बरें दी रेशमा बानो, 22 बरें दी प्रवीण कौसर ते 20 बरें दी सायरा खातून बोली ते सुनी सकने च सक्षम नहीं हैं पर कल होने आले मतदान गी लेइयै उन्दा उत्साह दिखदे गै बना करदा है ते ओ पंचायत दे होरने लोकें लेई प्रेरणा दा स्रोत बनी गेदियां न। डड़काई बी पंचायत समुन्द्र सतह कोला 9,000 फुट दी ऊंचाई पर स्थित है ते इस ग्रां गी म्यूट विलेज आफ इंडिया आखिया जंदा है कि जे उत्थे 84 लोक ऐसे न जेड़े बोली ते सुनी नहीं सकदे। एह ग्रां उधमपुर संसदी हल्के हेठ आउंदा है जित्थे कल वोट पुआए जाने न। जम्मू रियासी पार्लिमानी हल्के लेई 26 अप्रैल गी वोट पाए जाने न। जम्मू दे जिला चुनां अधिकारी सचिन कुमार वैश्य होरें आकाशवाणी दे जिला संवाददाता अंकुश शर्मा कन्नै गल्ल करदे होई जम्मू संसदीय हल्के लेई चुनाव दियें तैयारियें बारे गल्ल कीती। उनें आखिया तैयारियों में जो ईवीएम मशीन है उनकी कमीशनिंग हो गई है, पोलिंग पार्टीज की ट्रेनिंग भी चल रही है, रैंडमाइजेशन होने के बाद ट्रेनिंग होती है वो भी चल रही है, साथ ही साथ जो उनका डिस्पैच करना है पोलिंग पार्टीज का वो सारा कुछ इन प्लेस है और अभी हमारा जो इमीडिएट चल रहा है पोस्टल वैलेट के जो वोटिंग करना है जो होम वोटर्स हैं 85+ और पर्सन विद डिसेबिलिटीज, पोस्टल वैलेट जो एबसेंटी वोटर्स हैं इन कैटेगरी ऑफ इसेंशियल सर्विसेज उनका जो इसेंशियल सर्विसेज की कैटेगरी है और इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जो इश्यू करना है तो अभी हम सारा फोकस इस पे कर रहे हैं। बाकी जो तैयारियां वो भी इन प्लेस हैं, 26 के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। फिर हमारी कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जिस दिन वोट होता है उसके 72 घंटे पहले, 48 घंटे पहले और 24 घंटे पहले होता है तो उसकी भी तैयारियां लगभग इन प्लेस हैं। औंदे लोकसभा चुनावें दे मद्देनजर लोकें गी मतदान करने लेई जागरूक बनाने आस्ते रियासी जिले च स्वीप तहत कई सारी गतिविधियां दा सरिस्ता कीता गया। जिला चुनाव अफसर रियासी पासिया सब्बै सरबंधत इंतजाम कीते गए न। रियासी दे साढ़े जिला संवाददाता कन्नै गल्ल करदी होई रियासी दे नोडल अफसर स्वीप नरेंद्र किशोर होरें आखिया आज हमने ये स्वीप रैली सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन की रैली भी निकाली और स्वीप प्लेज भी करी। यहाँ लोगों ने ये संकल्प लिया कि हम उन लोगों को भी खुद भी 26 को पोलिंग स्टेशन जाएंगे और वोट डाले और उन लोगों को भी अवेयर करेंगे जो लोग कहते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे हमारा वोट क्या होगा, उनको ये भी हम समझाएंगे कि हमारा वोट काउंट होता है, हमारे वोट की वैल्यू। औंदे लोकसभा चुनाएं गी रमानदारी आले ढंगे सिर करोआने लेई तैयारियां जोरें शोरें पर न। किश्तवाड़ दी जिला चुनां अधिकारी होरें इस सरबंधै च इक संवाददाता सम्मेलन गी संबोधित कीता। उनें आखिया
जैसा कि आप सभी को पता है, किश्तवाड़ पूरे जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला है इन टर्म्स ऑफ इट, और इस वजह से काफी सारे पोलिंग पार्टीज हमने 11-12 तारीख को मड़वा वार्ड में भेजे, कुछ पार्टीज को हमने मचेल कल भेजा, कित्थर जैसे दूरदराज के इलाके, कुंतवाड़ा के इलाके, दक्षिण के दूरदराज के इलाके, उनको भी कल भेजा गया। आज 343 रिमेनिंग आउट ऑफ टोटल 405 पोलिंग स्टेशन की पार्टीज को रवाना किया गया है, जिनमें से ज्यादातर निकल चुकी है और कुछ जाने वाली। मेरी आज इस मीडिया के प्लेटफॉर्म से सभी 1,75,000 किश्तवाड़ के वोटर से अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर में आके कल जरूर वोट। राज्यसभा दे सभापति जगदीप धनखड़ होरें राज्यसभा आस्ते चुने गेदे सदस्यें गी संसद भवन च सगंध चकाई। धनखड़ होरें भीम सिंह, परमार जयंत सिंह, संगीता, नवीन जैन ते डॉ सुधांशु त्रिवेदी होरें गी राज्यसभा दी सदस्यता दी सगंध चकाई। ते हुन अखीरा च खास खास खबरां इक बारी परतियै। भारत दे मुक्ख चुनां आयुक्त राजीव कुमार होरें मतदाताएं गी अपील कीती है जे ओ अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी गी निभान, कि जे चुनां लोकें कन्नै सरबंधत न ते लोकें गी अपनी पसंद दे विकल्प चुनने लोड़चदे न। उधमपुर कठुआ संसदीय हलके च चुनावी तैयारियां जोरें पर न। चुनावी अमले गी सरबंधत मतदान केन्द्रें पर भेजा जा'रदा ऐ। उधमपुर संसदीय हलके च 1400 शा मते मतदान केन्द्र वेबकास्टिंग दी सुविधा कन्नै लैस न। इस हलके च कल वोट पोआए जाने न। ते डोडा जिले दे गंदो इलाके दी डरकाई पंचायत दियां रौहने आलियां बोली ते सुनी सकने च अक्षम त्रै भैणा कल होने आले मतदान गी लेइयै बड़ी मती उत्साहित न ते ओ होरने गी भी मतदान आस्ते प्रेरित करा करदियां न। एदे कन्नै गै खबरें दा ए बुलेटिन समाप्त हुआ।